हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द नेक्स्ट लेवल में। और आज के वीडियो में मैं आपके लिए झारखंड सीजीएल का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं। और जैसा कि मैंने अपने पिछले झारखंड जीके के प्रैक्टिस सेट में आपसे कहा था कि मैं जल्दी ही आप सभी के सामने हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी को मिक्स करके एक प्रैक्टिस सेट लाऊँगा, तो वो मैं लेकर के आ गया हूँ। अगर आपको साइंस से फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायो का मिक्स प्रैक्टिस सेट चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट करें, आपको वो भी जल्दी ही मिलने लगेगा। लेकिन फिलहाल हम यहाँ पर हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी को मिक्स करके प्रैक्टिस सेट ला रहे हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ डाउनलोड करना होगा तो पीडीएफ आपको नीचे दिए गए जो मेरा डिस्क्रिप्शन होता है उसमें आप जाएँ और वहाँ पर आपको एक लिंक मिलेगा, पीडीएफ करके लिखा हुआ होगा वहाँ पर, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको वहाँ से हमारा पीडीएफ भी मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं हम आज का। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे है कि नवपाषाण काल में लोगों द्वारा पाला गया प्रथम पशु कौन था? और मैं यहाँ पे बहुत श्योरली कह सकता हूँ कि 90% लोग यहाँ पे आंसर गलत करेंगे। 90% लोग, आप सब आंसर यहाँ पे टिक कर रहे होंगे कुत्ता, लेकिन कुत्ता बिल्कुल गलत है। यहाँ पे सही आंसर होगा भेड़, क्योंकि हम यहाँ पे नवपाषाण काल की बात कर रहे हैं, नवपाषाण काल की, ठीक है। चलिए मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे नीचे एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, पशुओं के जो पालतूकरण करने का मानव का प्रयास है, ये मध्य पाषाण काल से शुरू हुआ था और यहाँ पे हम नवपाषाण काल की बात कर रहे हैं, ठीक है। पाषाण काल को तीन भागों में बांटा गया, आपको पता होना चाहिए, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। फिर देखिए यहाँ पे जो आप कुत्ता कह रहे थे, तो मानव ने सर्वप्रथम जो है वह कुत्ता को पालतू बनाया था। जिस यहाँ पे जिस नहीं होगा, यहाँ पे जिस होगा किस हो गया, यहाँ पे जिस पशु को पालतू बनाया था वह था कुत्ता। और कुत्ते को ऐसा माना जाता है कि प्रायः ऐसा माना जाता है कि 15,000 ईसा पूर्व पहले घरों में पाला गया था। और भेड़ दूसरा पशु था जिसे मानव ने पालतू पशु के रूप में बनाया था। यानी कि मध्य पाषाण काल में कुत्ता बना था और नवपाषाण काल में भेड़ बना था, याद रखेंगे आप, ठीक है। और यहाँ पर आप देखिए कुछ और भी चीज़ें हैं कि ऐसी मान्यता है कि 11,000 ईसा पूर्व से 9,000 ईसा पूर्व के मध्य दक्षिण पश्चिम एशिया में भेड़ पालतू पशु के रूप में विकसित की गई थी। चूँकि लगभग यही काल नवपाषाण काल का है, अतः इस प्रश्न का उत्तर जो है वो भेड़ ही होगा। यहाँ पर देखिए कुछ और, यहाँ पर मैं आपको कुछ चीज़ें जिसे पालतू बनाया गया था तो देखेंगे आप, भेड़ के बाद जो अगर किसी को पालतू बनाया गया था तो वो था सुअर, उसके बाद बकरी और गाय को 8,000 ईसा पूर्व में, फिर उसके बाद बिल्ली आया, फिर उसके बाद मुर्गी, और उसके बाद जो है ये गधा और घोड़ा को 4,000 ईसा पूर्व में पालतू बनाया गया था। तो याद, अगर आप ये सब याद रखेंगे तो अगर आपको ईस्वी याद रहता है कि कब से कब का ईस्वी कौन सा है, तो वहाँ पर आप कन्फ्यूज़ नहीं होंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है कि सबसे पहले कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल खोजा गया था? सबसे पहले कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल खोजा गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हड़प्पा। हड़प्पा सबसे पहले खोजा गया था, ठीक है। अब इससे कुछ रिलेटेड फैक्ट्स जान लेते हैं कि सबसे पहले जो है 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के नेतृत्व में पश्चिमी पंजाब के हड़प्पा नामक स्थल में हुए उत्खनन में हड़प्पा सभ्यता का पता लगा था। और ये सबसे पहले हड़प्पा ही का पता लगा था, इसीलिए इस सभ्यता से रिलेटेड जो भी चीज़ें हमें मिली उसे हमने हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है ये पशुपति की पूजा करते थे, पशुपति की पूजा। अब देखिए, पशुपति की एक मूर्ति मिली थी मोहनजोदड़ो से, कि मोहनजोदड़ो में पशुपति की मूर्ति मिली है जिस पर शिव की आकृति जैसा चित्र है, ठीक है। और यहाँ के जो इसके कलाकार थे उन्होंने निष्कर्ष निकाला है कि ये पशुपति की मूर्ति है, शिव की आकृति की है और ये पशुपति के नाम से उसको बताया जाना गया, तो इसीलिए उसे जो है पशुपति माना गया। आगे देखते हैं कि आयुर्वेद का जनक किन्हें कहा जाता है? तो आयुर्वेद के जो जनक हैं ये कहे जाते हैं चरक, ठीक है। आयुर्वेद के जनक जो हैं वो चरक कहलाते हैं। देखिए चरक जो हैं ये किसके दरबारी थे, ये एग्ज़ाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है। तो चरक जो हैं ये कुषाण शासक कनिष्क के राज्य वैद्य थे, कनिष्क के दरबार में थे। और आपको पता ही होगा
कि चरक ने अपने नाम से एक चरक संहिता लिखी हुई है। चरक संहिता ये सबसे पहला और सबसे प्राचीन किताब था, ये औषधि शास्त्र से यानी कि आयुर्वेद से। आगे है कि सिंधु घाटी सभ्यता का वृहत स्नानागार किस स्थल पर पाया गया। सिंधु घाटी सभ्यता का वृहत स्नानागार जो है ये मोहनजोदड़ो में पाया गया था। याद रखेंगे आप कहाँ पाया गया था, मोहनजोदड़ो में। नेक्स्ट देखते हैं कि हड़प्पा की सभ्यता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ठीक है, जैसे कि ताम्र पाषाण होता है, पूरा पाषाण हुआ, पाषाण यानी कि पत्थरों का, उसमें पत्थरों का प्रयोग किया गया, ताम्र युग आया तांबा का युग, लौह युग आया तो हमने लोहा का प्रयोग करना किया, कांस्य युग तो कांस्य का प्रयोग करना शुरू किया, तो इस प्रकार से किस युग के अंतर्गत ये आता है। तो हड़प्पा जो है, हड़प्पा की सभ्यता ऐसा माना जाता है कि ये कांस्य युगीन था, ये कांस्य का युग था, इस समय कांस्य का प्रयोग हम करते थे। देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि सिंधु सभ्यता युग में तांबे और टीन को मिलाकर कांसा का निर्माण किया जाता था और इस युग की प्रमुख धातु जो है ये कांसा था, इसी कारण से इसे कांस्य युगीन जो है कहा जाता है। यहाँ पे कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक्स हो गए हैं, ठीक है, तो कांस्य युगीन सभ्यता भी इसीलिए कहा जाता है। तो कांस्य युगीन सभ्यता जो है वो हड़प्पा कालीन सभ्यता है। नेक्स्ट है कि हड़प्पा संस्कृति की मुद्राओं एवं पक्की मिट्टी की कलाकृति में किस पशु का चित्रण नहीं किया गया है। ये भी मोस्ट कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, आप इसे स्टार मार्क कर सकते हैं, मोस्ट कंफ्यूजिंग क्वेश्चन में आप इसे रखेंगे। सही आंसर होगा गाय, गाय का चित्रण नहीं था। किसका किसका चित्रण था यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हड़प्पा संस्कृति की एक मुहर पर पद्मासन मुद्रा में त्रिमुखी योगी चित्रित हैं। ठीक है, वो पद्मासन में एक व्यक्ति हैं, योग मुद्रा में हैं, जो तीन मुख हैं जिनका, उनके दाहिनी ओर क्या है, हाथी और बाघ है, और बाईं ओर क्या, भाई नहीं बाईं होगा यहाँ पे, बाईं ओर क्या है, गेंडा और भैंसा, और सिंहासन के नीचे दो हिरण हैं। तो उस मुद्रा में क्या क्या चीज़ें मिला हमें, हमें मिला एक हाथी, एक मिला बाघ, एक मिला गेंडा, एक मिला भैंसा और दो मिले हिरण। तो यहाँ पे पांच जानवर हैं लेकिन गाय कहीं नहीं है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, गाय। ठीक है, बाकी हाथी गेंडा और बाघ हैं इसमें। नेक्स्ट है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर क्या था। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर जो है ये था लोथल, लोथल इसका पतन नगर था। और लोथल की हम बात करें तो ये अभी वर्तमान में अहमदाबाद ज़िले में है, गुजरात के अहमदाबाद ज़िले के भोगवा नामक नदी के किनारे है, भोगवा नदी के किनारे, और इसी के पूर्वी स्थित है, और इसी के यानी कि लोथल के पूर्वी भाग में, यानी कि ये भोगवा नदी के पूर्वी भाग में एक बंदरगाह का साक्ष्य मिला है, और इसकी खोज जो है वो आर एस राव ने की थी। किसकी खोज, लोथल की खोज, लोथल की खोज आर एस राव ने की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि कौन सा देश पाक जलडमरू मध्य से जुड़े हुए हैं। अब यहाँ पे हम जियोग्राफी स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, हिस्ट्री हमारा समाप्त हुआ है, हम जियोग्राफी स्टार्ट कर रहे हैं कि कौन सा देश पाक जलडमरू मध्य से जुड़ा हुआ है। तो पाक जलडमरू मध्य से कौन जुड़ा हुआ है, अब बहुत से लोग यहाँ पे भारत और पाकिस्तान टिक कर सकते हैं अगर जिन्हें नहीं पता है, तो बता दूं कि ये भारत और श्रीलंका है, भारत और श्रीलंका है पाक जलडमरू मध्य से जुड़ा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि पाक जलडमरू मध्य भारत और श्रीलंका के बीच है, इसे पाक जल संधि के नाम से भी जाना जाता है, याद रखेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। आपने देखा होगा यहाँ पे, मैं आपको एक छोटा सा नक्शा बता दूं, भारत का ये निचला हिस्सा है इस तरह से, और यहां पर एक नारियल के शेप में आता है श्रीलंका, और इन्हीं दोनों के बीच में यहां से पाक जल संधि आता है, इस जगह से। ठीक है, अगर आप कभी मैप देखेंगे या फिर कभी मैं अगर मैप बताऊंगा तो वहां पे मैं आपको जरूर इसका एक्सप्लेन करूंगा। अगला है कि भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है। सबसे कम वर्षा कहां होता है, बहुत से लोग यहां पे बीकानेर, जैसलमेर, जयपुर में कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन सही आंसर लेह है। लेह में सबसे कम वर्षा होता है, ठीक है, सबसे कम। और अगर आपको पता है कि भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होता है, वो विश्व में भी सबसे ज़्यादा वर्षा होने वाला स्थान है, तो आप मुझे कमेंट करें, नीचे कमेंट करें कि विश्व में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होता है। ठीक है, कमेंट करके आप मुझे बताएंगे। आगे है कि 10 डिग्री चैनल किसके बीच स्थित है। 10 डिग्री चैनल किसके बीच स्थित है, तो 10 डिग्री चैनल जो है ये किसके बीच स्थित है, छोटा अंडमान और बड़ा अंडमान के बीच, छोटा अंडमान और बड़ा अंडमान के बीच 10 डिग्री चैनल है। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट बताया गया है कि 10 डिग्री चैनल से जो है छोटा अंडमान और कार निकोबार, यार कार निकोबार मैंने कह दिया, ये कार अंडमान होगा, सॉरी
एक मिनट हाँ सॉरी, मैंने कुछ गलती बता दी आपको यहाँ पे। ये छोटा अंडमान और बड़ा निकोबार है, मैं इसे अंडमान ही पढ़ रहा था शायद, छोटा अंडमान और बड़ा निकोबार, गलती से मैंने अंडमान आ जाता है इसीलिए, छोटा अंडमान और बड़ा निकोबार को ये के बीच में स्थित है, ठीक है। और यहाँ पर जो है याद रखेंगे आप, बड़ा अंडमान बड़ा निकोबार को हम कार निकोबार भी कहते हैं, तो उसमें कन्फ्यूज नहीं होना है। अगर यहाँ पर आपको छोटा अंडमान और कार निकोबार दे देता या छोटा अंडमान और बड़ा निकोबार दे देता तो दोनों ही सही है, याद रखेंगे आप। चलिए आगे देखते हैं कि कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है। कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है, तो कर्क रेखा जो है निम्न में से सभी राज्यों में से झारखंड से होकर गुजरती है। कहाँ से गुजरती है, झारखंड से होकर गुजरती है। अभी देखिए कुछ कर्क रेखा जो है पूर्व से पश्चिम, सॉरी पश्चिम से पूर्व की, अगर हम देखें यहाँ से इस तरह से नीचे से जो भाग आया हुआ है भारत का, तो इस इधर से हम चेक करेंगे इस तरफ से आते हुए कि कौन कौन से देश हैं, तो सबसे पहले आपको आएगा गुजरात, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल, फिर त्रिपुरा और फिर मिजोरम। देखिए इससे बहुत सारे बहुत प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि आपसे पूछ सकता है कि कर्क रेखा को छूने वाला सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा है, तो गुजरात। कर्क रेखा को छूने वाला सबसे पूर्वी राज्य कौन है, तो मिजोरम। इसी प्रकार से कर्क रेखा को छूने वाला दूसरा पश्चिमी राज्य या दूसरा तीसरा या फिर दूसरा पूर्वी राज्य, तो इस तरह से आपको जो है वो पूछ सकता है एग्जाम में क्वेश्चन, क्योंकि ये सीजीएल है मेरे भाई, सीजीएल में क्वेश्चन को टफ किया जाता है, इजी क्वेश्चन को घुमाया जाता है जिससे आप फंसे उसमें, आते हुए चीज़ों को भी आप टिक ना कर पाएं। और जो एक ट्रिक आता है मित्र पर गमछा झार, उस ट्रिक से आप याद तो कर लेंगे स्टेट्स का नाम लेकिन क्रम अनुसार नहीं याद कर पाएंगे, तो इसीलिए क्रम अनुसार भी अगर याद हो गया है तो ठीक है, याद रखें उसको, क्रम अनुसार भी सजाने का प्रयास करें। नेक्स्ट है कि डक्कन पास किसके मध्य स्थित है, डक्कन पास जो है ये किसके मध्य स्थित है, तो डक्कन पास जो है ये दक्षिणी और छोटा अंडमान के बीच में है, डक्कन पास जो है ये दक्षिणी और छोटा अंडमान के बीच में पड़ता है, याद रखेंगे आप। नेक्स्ट है हिमालय की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, यहाँ पर मैं आपको इजी क्वेश्चन है लेकिन एक चीज़ें मैं आपको बताऊँगा यहाँ पर, याद रखेंगे आप, 8848 मीटर है, कहीं कहीं आप 8850 मीटर देखते हैं, क्या है ये 8850 मीटर, तो देखिए वैसे माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8848 मीटर ही है, लेकिन जब ये जीपीएस से नापा गया इसका ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जो होता है तो उससे उसने बताया कि 8850 मीटर है, तो एग्ज़ाम में आपसे पूछा जा सकता है कि 8850 मीटर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई किसके अनुसार है, तो ये जीपीएस के अनुसार है, याद रखेंगे आप। आगे है कि भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है, भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा कहलाती है मैकमोहन रेखा, क्या कहलाती है मैकमोहन रेखा। नेक्स्ट है भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा द्वीप है, भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा द्वीप है, तो भारत और श्रीलंका के बीच जो है ये रामेश्वरम द्वीप है, रामेश्वरम। अब देखिए यहाँ पे कुछ डिटेलिंग मैं आपको कर देता हूँ, यहाँ पे नीचे मैंने लिख दिया है क्योंकि अब मैं लिखना यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ ताकि आप अगर पीडीएफ डाउनलोड करें तो आपको ये डिटेल भी साथ में मिले ताकि आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकें उसमें। क्या है कि भारत एवं श्रीलंका के बीच स्थित रामेश्वरम जो है ये तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले का एक द्वीपीय कस्बा है, याद रखेंगे आप रामेश्वरम जो है वो रामनाथपुरम जिले में पड़ता है, उसी का एक द्वीपीय कस्बा है। और ये जो रामेश्वरम है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में भी पूछा गया है इसीलिए मैंने इसे यहाँ पे मेंशन किया है कि रामेश्वरम जो है भारत की मुख्य भूमि से पंबन चैनल द्वारा अलग होता है, पंबन चैनल द्वारा, ठीक है। आने वाले एग्जाम में मैं इसे भी एज अ क्वेश्चन एक बार यहाँ पे ऐड कर दूंगा, ठीक है, पंबन चैनल के द्वारा ये ऐड होता है, जुड़ता है, ठीक है। जैसे मान लो कि ये पूरा भारत है और यहाँ पर छोटा सा रामेश्वरम है तो इसके बीच में जो गैप है नदी या समुद्र जो भी है वो पंबन चैनल के नाम से जाना जाता है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि पंबन चैनल किसको जोड़ता है, तो मुख्य भारत और रामेश्वरम द्वीप को, याद रखेंगे आप, वो अलग करता है। कोडाई कनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है, तो कोडाई कनाल जो है ये पालनी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है, कोडाई कनाल पालनी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। नेक्स्ट है भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर, भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन है, तो भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है सियाचिन ग्लेशियर, सबसे बड़ा ग्लेशियर
सियाचिन ग्लेशियर, याद रखेंगे आप, सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर। आगे है, गीत जन मन गण को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब स्वीकार किया गया? जन गण मन को राष्ट्रगीत के रूप में कब स्वीकार किया गया? ये हमने कब स्वीकार किया? ये हमने स्वीकार किया 1950 में, 26 जनवरी 1950। आगे है कि राष्ट्रगान को कितने समय में गाया जाता है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन इसमें मैं आपको एक और नया चीज़ भी बताऊंगा। राष्ट्रगान को 52 सेकंड में गाया जाता है, ये हम सभी को पता है, लेकिन राष्ट्रगान को संक्षेप में, अगर संक्षिप्त रूप में गाएंगे तो कितना समय लगेगा आपको पता है? ये 20 सेकंड लगता है, और ये एग्ज़ाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, ये एग्ज़ाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आगे है, राष्ट्रगान का सबसे पहले कहाँ गाया गया था? राष्ट्रगान यानी कि जन गण मन जो है, ये सबसे पहले कब गाया गया था? तो ये जो है सबसे पहले 1911 में, वर्ष 1911 में गाया गया था। और ये कहाँ गाया गया था? तो ये कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, याद रखेंगे आप, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। आगे है, भारत का अंतिम अंग्रेज वायसराय कौन था? भारत का अंतिम अंग्रेज वायसराय, तो ये थे लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन। यहाँ पर देखिए, इनका दो कार्यकाल रहा है। पहला कार्यकाल क्या था? 23 मार्च 1947 से 15 अगस्त 1947 तक रहे, और उसके बाद इनका दूसरा कार्यकाल भारत के गवर्नर जनरल के रूप में शुरू हुआ। पहले ये अंग्रेज के गवर्नर जनरल थे, उसके बाद 15 अगस्त के बाद ये भारत के गवर्नर जनरल रहे लगभग एक साल तक, 15 अगस्त 1947 से 21 जून 1948 तक। और इनके बाद कौन बने? तो इनके बाद बने थे राजा चक्रवर्ती राजा ऐसे करके कुछ नाम था, मेरे दिमाग से पता नहीं कैसे स्किप कर गया है, ठीक है, अगर आपको याद है तो आप आंसर कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि भारत की संविधान सभा के अस्थाई सभापति कौन थे? अस्थाई सभापति कौन थे? तो ये कौन थे? डॉक्टर या श्री सच्चिदानंद सिन्हा, श्री सच्चिदानंद सिन्हा थे, ठीक है। देखिए, 9 दिसंबर 1946 को ये आयोजित किया गया था संविधान सभा की प्रथम बैठक, और इसमें अस्थाई तौर पर सच्चिदानंद सिन्हा को जो है वो सभापति या संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष बनाया गया था। और उसके बाद फिर 11 तारीख को, आपको पता होना चाहिए कि 11 दिसंबर को ही फिर से जो बैठक हुई थी तो उसमें वोटिंग हुआ, और वोटिंग में राजेंद्र प्रसाद को जो है वो क्या अस्थाई सदस्य चुन लिया गया था। आगे है कि संविधान सभा का मसौदा तैयार करने वाली ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा का मसौदा तैयार करने वाली समिति या फिर ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो ड्राफ्टिंग कमेटी के जो अध्यक्ष थे वो बने थे भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। और देखिए, आपको पता होना चाहिए कि संविधान के प्रारूप को अंतिम रूप देने के लिए जो है 29 अगस्त 1946 को एक संकल्प पारित किया गया था, और इसके संकल्प पारित करके जो है प्रारूप समिति का गठन किया गया था, और इसमें जो है कुल 7 सदस्य थे, अध्यक्ष को मिला के, अध्यक्ष के सहित 7 सदस्य थे, ठीक है। तो बाबा साहब अंबेडकर और उसके अलावा और 6 लोग इसमें थे, तो याद रखेंगे आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने इसमें बताने का प्रयास किया है। अगर आपको ये मेरा प्रयास, छोटा सा प्रयास अच्छा लगा तो आप इसे एक बार लाइक ज़रूर कर दें, और इसे शेयर अगर आप कर सकते हैं अलग अलग पेजों पे तो शेयर ज़रूर कर दें, और आप हमारे चैनल से जुड़ जाएँ, क्योंकि सब्सक्राइब अगर आप नहीं करेंगे तो ऐसे ऐसे वीडियो आप मिस कर देंगे, शायद आप मिस कर दें। अगर सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल घंटी बजती है उसे दबा देंगे आप, तो क्या होगा कि हमारे जितने भी वीडियोस आएंगे, अभी खास करके हम और भी वीडियोस लाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि आपका जो प्रिपरेशन है उसे मैं नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकूं, तो उसे आप अच्छे से कर पाएंगे। PDF आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो ऐसे ही बने रहिए हमारे चैनल के साथ, मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लेता हूं आपसे विदा। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।